वेरी गुड मॉर्निंग डी एस I आई होप uh, आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम टू अवर ट्वेंटी फोर सेवन चैनल आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि मैं विजिबल भी हूँ और ऑडिबल भी हूँ जल्दी से बिग quick. Yes, tell me. इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डे ऑफ फाउंडेशन बैच और इसमें हम सिलोगिज्म डिस्कस कर रहे हैं ऑफ़ कोर्स और सिलोगिज्म में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन सिलोगिज्म में डिस्कस करने वाले हैं आज हम आइदर और कॉन्सेप्ट ठीक है आज का जो डिस्कशन होगा वो आइदर और कॉन्सेप्ट होगा दैट मीन्स की विल टोटली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और ठीक है। ओके okay, चलो सो so, आज का जो एजेंडा है वो है आइदर और को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इस आइदर और के जितने भी डाउट्स आपके पास होंगे ना जितने भी डाउट्स, उन सभी डाउट को क्लियर करना हमारा काम होगा आज के सेशन में ठीक है ओके okay. सो so, बस ये बता दीजिए क्या मैं विजिबल ये क्या कहते हैं कुछ बफरिंग तो नहीं हो रही है ना आज ओके okay, चलो सो so, कुछ बफरिंग नहीं हो रही है वेरी गुड चलो मूव करते हैं हम लोग कहां चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं फटाफट रिवीजन से जो कल हम लोग सेशन में किए थे उस चीज का रिवीजन एक बार करना बहुत जरूरी है और फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो ऑल स्टूडेंट्स आर वेटिंग ओके दिलीप हर एक एग्जाम के लिए कह सकते हैं ये बैच है किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि बैच नहीं है मैंने पिछले में हमने हमने क्या देखा हमने देखा है है कि जो बेसिक होता सिलोगिज्म का उसकी चर्चा हो चुकी है जो है जो बेसिक सिलोगिज्म का उसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है दूसरी चीज कि अब हमें देखना है हमने क्वेश्चन भी कर लिया है हमने नोट्स भी तैयार कर लिया हमने तीन नोट दिया है आपको और मैंने कहा कि भाई तीनों नोट जो आपके सिलोगिज्म चैप्टर में किसी भी तरह के सवालों को अगर आप गलत काटते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो तीन नोट ही काम आएंगे वही तीन नोट वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होगा इस बात का ख्याल रखिए ठीक है।, है ये बिल्कुल 100 परसेंट सही बात है मूव करते हैं और आगे और आज उस उससे आगे बढ़ने के बाद आज हम लोग बात करेंगे जो कीवर्ड्स मैंने बताया था सेकेंडरी कीवर्ड्स का कुछ इस्तेमाल देखेंगे साथ ही साथ आज हम लोग आइदर और को लेके जितनी भी जो डाउट्स हैं बच्चों के बीच में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो पीडीएफ नहीं मिल रहा पीडीएफ मिल जाएगा यार ऑफकोर्स मिल जाना चाहिए पीडीएफ वो तो देखो अभी लॉकडाउन का टाइम है लॉकडाउन के टाइम में थोड़ी सी टीम जो है ना वो नॉर्मली हर जगह पे कम काम हो पाता है उसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी तो कम हो जाती है हम लोग अभी भी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अभी भी अवेलेबल है ये बहुत बड़ी बात है ठीक है चलिए मूव करते हैं आगे सो so, पहले मैंने नोट वन की तरफ एक बार इशारा कर देता हूं आपके लिए नोट वन क्या था नोट वन कहता है कि भाई अगर किसी दो तो एलिमेंट में रिलेशन नहीं होगा तो उनके बीच का हर एक तरह का जो वास्तविक निष्कर्ष होगा वो क्या होगा रॉन्ग होगा ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग इफ देर आर नो रिलेशन इफ देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स लेकिन हा उ दोनों एलिमेंट्स के बीच जिसके बीच रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है उन्हीं के बीच अगर पॉजिबिटी जोड़ दिया जाए कंक्लूजन में तो वो पॉजिबिटी वो कक्लूजन हमेशा क्या होंगे सही होंगे ये पहली बात है जो आपको दिमाग में बिल्कुल चिपका के रखनी है ठीक है मूव करते हैं आगे नोट टू के तरफ जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं सेशन में उनका काम है कि इस सेशन को लाइक और शेयर करते चले लाइक तो सबको करना है और शेयर तो सबको करना है उनको सब्सक्राइब कर लेना है बस फटाफट और हाँ बी रेगुलर और जो बच्चे इस सेशन को बाद में देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कॉमेंट किया कीजिए सेशन के बाद कि कैसा रहा सेशन आपको कैसा लग रहा है और हाँ कोशिश कीजिए कि की सेशन में लाइव आए लाइव आने से बहुत ज्यादा आपको अच्छा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ठीक है नाम मेरा नाम लीजिए ना अच्छा ठीक है जुबेर अली जी बिल्कुल आपका नाम लिया नोट नोट टू क्या कहता है नोट टू कहता है कि भाई अगर कभी भी किसी भी वेंडाइग्राम के रिक्त स्थान के बारे में मतलब ब्लैंक स्पेस के बारे में कोई भी कंक्लूजन सही कंक्लूजन ड्रॉ करनी होना तो उसमें हमें पॉसिबिलिटी को जोड़ना पड़ेगा यह बहुत बड़ा फैक्ट है हमें जोड़ना पड़ेगा पॉसिबिलिटी अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा आई होप आइडिया इज क्लियर आई होप आइडिया इज क्लियर ठीक है हा हिमांशु आनंद कह रही है सर इफ नो रिलेशन पॉसिबिलिटी इज ट्रू ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू गेम ऑफ सिलॉगिजम इज टू टॉक अबाउटिज्म पढ़ते हो भाई, तो तो भाई साहब यहाँ पे एलिमेंट्स के रिलेशन की चर्चा करते हैं पूरा खेल यहां रिलेशन पे ही है ऑफकोर्स जहां रिलेशन ही नहीं होगा वहां पर पॉजिबिलिटी बिल्कुल नहीं वहां पर मतलब डेफिनेट चीजें हमेशा क्या होंगी रॉन्ग होंगी और पॉजिबिलिटी हमेशा सही होगा मूव करते हैं आगे नोट थ्री क्या कहता है नोट थ्री कहता है कि भाई साहब जो चीजें पहले से ही मौजूद होंगी ना जो चीजें जो रिलेशन पहले से हमारे पास अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दिया गया तो वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा इस चीज को क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स नेवर अलाउज द वर्ड पॉसिबिलिटी कभी भी शब्द संभावना को आसपास

क्वेश्चंस ना हो एक बार फटाफट से क्या करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चंस कौन से मतलब कल का एक बार मतलब कि अभी हम लोग आइदर और सीखने चलेंगे आइदर और के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है कि सर आइदर और कब लगाएंगे कंडीशंस क्या होती हैं क्या सम नो, सम और सम नो और नॉट आइदर में होता है या फिर सर क्या ऑल और नो आइदर होता है कि नहीं होता है या फिर क्या सर उनके एलिमेंट्स को हम फ्लिप कर सकते हैं क्या क्या उनके एलिमेंट्स जो है वो क्रॉस हो सकते हैं क्या आपस में उनकी प्रेजेंटेशन क्या क्रॉस हो सकती है क्या इन सभी बातों पर भयंकर मतलब गहन अध्ययन करने वाले हैं विथ रीजन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको क्या करने के लिए आइदर और के क्वेश्चन को पूरा क्लियर करने के लिए तो आपका काम ये बनता है आपका काम ये बनता है कि भाई साहब वहां पे सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो तो दोस्तों को बताइए इस लॉकडाउन में वो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है ठीक है आइडियाज क्लियर मूव करते हैं आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन रखा फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है फटाफट से एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या होगा चार निष्कर्ष हैं बहुत आसानी से दे सकते हो आप सवाल का आंसर फटाफट से वेंडेराम ड्रॉ कीजिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ सवाल है तो कोई हिंदी वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने आज ने हिंदी में सवाल नहीं दिया है देखो इस पूरे वीक को अपन इस पूरे वीक को अपन सिलोगिज्म को दे रहे हैं ये पूरा वीक हम लोग सिलोगिज्म को देने की बात कोशिश करेंगे मतलब कि आज जैसे हम लोग आइदर कर रहे हैं तो कल हम लोग कहीं, कहीं ना कहीं सीखेंगे का कॉन्सेप्ट का वन का कॉन्सेप्ट है का कुछ कल uh, जो आजकल जो ट्रेंड में सवाल है उसकी बात कल कर रहे होंगे हम लोग फिर हम लोग नेगेटिव पॉसिबिलिटी की की करेंगे परसों क्लास में तो क्लासेस क्लासेस जो होंगी वो बहुत सारे के सारे के कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा प्रोडक्टिव चीजें और वो चीजें बता की जाएंगी जो आपको जहां मार्केट में कंफ्यूजन हो रही है जो आप पढ़ रहे हो कंफ्यूज हो रहे हो कुछ लोग कह रहे हैं कि सम सम नॉट नहीं होता है कुछ लोग कह रहे हैं होता है मैं अभी आइर बताऊंगा आपको क्यों होता है रीजन के साथ बताऊंगा ठीक है ओके हैप्पी राम रामनवमी शुभम शर्मा जी ओके तो क्वेश्चन आई होप कि आपका डन हो चुका होगा फटाफट से मैं क्या करता हूं इस सवाल को सॉल्व करता हूं पहला सवाल दिया हुआ है। ऑल ए आर बी स्टेटमेंट कह रहा है सभी ए जो है ना भाई साहब वो क्या है बी है ऑफ इट्स

है यहां पे रेस्ट्रिक्टेड हो गया ठीक है यहां पे हमने सी ड्रॉ कर लिया अब यहां पे नो एआरसी नो सीआरए हो गया वेरी गुड अब ऑल टी आर सी को हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं सारे के सारे टी क्या हो गया सी हो गया नेक्स्ट कह रहा है सम सी आर ई और यहां पे सी है और यहां पे ई e है आई होप आइडिया इज क्लियर वेन डायग्राम बन चुका है आपके सामने अब आंसर जो मिल रहे हैं हमें हर, हर तरफ से वो मिल रहे हैं सर दो और चार दो और चार और ये सवाल आपके गलत होने ही नहीं चाहिए अगर किसी को भी मिस्टेक अगर किसी का भी मिस्टेक होता है इन सवालों में तो फटाफट फटा डाउट पूछेगा सर क्यों ऐसा हुआ वन भी कुछ लोग वन भी सही कह रहे हैं सर कुछ लोग वनली फोर्थ ट्रू कह रहे हैं एक बार देखते हैं क्या हो रहा है कौन कौन से निष्कर्ष सही है यहां पर पहला निष्कर्ष सम ई आर नॉट बी some e r not b ये पहला निष्कर्ष है some e r not b कुछ e b नहीं है अरे भाई e का रिलेशन b से है क्या देखिए तो कुछ कोई e का कुछ भी रिलेशन है क्या b से देयर इज नो रिलेशन ऑफ e एंड b हाँ b का रिलेशन आ, e का रिलेशन है लेकिन किस किस पार्ट में है तो आ, नहीं e का e सिर्फ e का b से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रांग हो जाएगा होप फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज ई जो है वो बी से कहीं से रिलेटेड नहीं है अगर यहां पे सी का रेस्ट्रिक्शन अगर सी का रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं बी से होता ए को नहीं बी से यहां लगा होता अगर का, तो यहां पर e सही कह लेते और वो भी सिर्फ एक ही रिलेशन बनता ही रिलेशन बन पाता लेकिन वो तब बनता जब सी का प्रतिबंध पूर्णतः किस से होता भाई बी से होता लेकिन बी से नहीं है बी के सम से मैंने कल ही बताया था कि जब भी यह सेंटेंस आएगा सम ई आर नॉट बी यहां पर छुपा होता है जब कुछ पार्ट ई का प्रतिबंधित होगा पूरे बी से तभी इस बात को हम सही कह सकते हैं सम पार्ट से अगर अगर इस यहां पे बी के सम पार्ट से होगा तो इसको हम सही नहीं कह सकते बहुत पुख्ता बहुत एक क्लियर विजुअलाइजेशन है यू कैन रिलेट इट आई होप आइडियाज क्लियर सेकंड नो ए इज डी क्या हम नो एस डी कह सकते हैं क्या क्या ए और डी प्रतिबंधित है क्या ऑफकोर्स है भाई बिकॉज ए रेस्ट्रिक्टेड किससे प्रतिबंधित है सी से और सी के अंदर ही कौन पाया जा रहा है डी दैट मीनस की अगर ए सी से रेस्ट्रिक्टेड है मतलब सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सब है सबसे रेस्ट्रिक्टेड है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आईओप आइडिया इस क्लियर मूव करते हैं आगे थर्ड नो ई इज एव ई और ए में तो भाई सब कोई रिलेशन ही नहीं है दर इज नो रिलेशन बिटवीन ई एन ए सो अगर ई e ए और ए में कोई रिलेशन नहीं है दैट मेक्स सेंस कि हम यहां पर ई e और में रिलेशन है लेकिन सम पार्ट का रिलेशन है तो फिलहाल ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग ई e और ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते यहां पे बिकॉज पूरे ई e की रेस्ट्रिक्शन किससे होनी चाहिए थी पूरे ए से होनी चाहिए थी यहां पे सी की रेस्ट्रिक्शन यहां पे ए से है लेकिन सी जो है वो कितना पार्ट ऑफ ई कैरी कर रहा है सम पार्ट यहां पे बोला गया नो दैट मीन कि सारा का सारा पार्ट ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है आपका ऑल डी आर ई ऑल डी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी नाउ पॉसिबिलिटी का खेल सामने आया है

सो ये एक्यूरेसी मुझे आपके अंदर चाहिए अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको सिलोगिज्म या फिर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मेरे बैच में मेरे क्लास में ये फंडा होता है भाई साहब एक्यूरेसी 100 परसेंट होनी चाहिए थोड़ी सी मिलावट मुझे बर्दाश्त नहीं है एकदम पेशेंटली बहुत ध्यान से सुनते रहो समझते रहो बातों को हां जी और सेशन को बिल्कुल शेयर करते रहो सिंपल सी बात है हाँ सेशन को सेशन को शेयर करो अपने फैकल्टी को थोड़ा सा आप ये समझ बताओ कि हाँ यार मजा आ रहा है सर क्योंकि मैं अपने तरफ से अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपके तरफ से भी ईमानदारी का ईमानदारी का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं ऑफकोर्स क्योंकि आपको सम ई इज नॉट ए सम ई इज नॉट ए ऑफ हाँ सम ई इज नॉट ए राइट और रॉन्ग ये पूछ रहे हैं कौन विदुषी पांडे पूछ रही पूछनी ऑफकोर्स अगर यहां पे होता मान लो फिफ्थ कंक्लूजन में लिख रहा हूं सम ई आर नॉट ए ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बिकॉज इस पार्ट का जो ई है ये जो पार्ट जो पार्ट ई का सी में पड़ रहा है वो पार्ट जो होगा वो ए से प्रतिबंधित हो जाएगा बिकॉज ए का रेस्ट्रिक्शन जो नजर आ रहा है आपको पूरे पूरे ए का रेस्ट्रिक्शन पूरे पूरे सी से नजर आ रहा है और उस पूरे सी में थोड़ा सा ई का एरिया मिल रहा है दैट मीस ये हमारा क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आई होप आइडिया आइडियाज क्लियर आई होप आइडिया क्लियर लेट्स मूव फॉर्व टूवर्ड्स नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वेन डायग्राम होगा लेकिन थोड़ा सा मैंने पॉसिबिलिटी पे काम किया यहाँ पे देखते हैं पॉसिबिलिटी वाली बात आपको कितने हद तक समझ में आ रही है कितनी हद तक समझ में आ रही है पॉसिबिलिटी वाली बात अगर मजा आ रहा है अनुपम जी तो भाई लोगों को बताइए कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है इस फाउंडेशन बैच में इस फाउंडेशन बैच को अगर तुम चूक गए मिस कर गए तो बहुत बड़ा नुकसान है यह बात समझाइए लोगों को चाहे वो मैथ्स हो इंग्लिश हो रीजनिंग हो हर जगह पे हम लोग इस तरीके से टूट पड़ रहे हैं इस में कि आपको बिल्कुल नहीं मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखोगे भी जबरदस्त ठीक है अगला सवाल जो है एक्जेक्टली सेम स्टेटमेंट है तो वेंडाराम भी ऑफकोर्स वही रहेगा आपके पास बस चार नए कंक्लूजन है फटाक से रिप्लाई कीजिए ताकि हम कम से कम समय खर्च करके और भी आगे बढ़ सके ठीक है चलिए देखते हैं बिल्कुल सेम है ऑल ए आर बी है पे पे से uh, A से से कर देंगे C को और और इसके अंदर आ जाएगा D, और यहां पे C से हो जाएगा हो हो E ये आपका सेम हो गया ठीक सर अगर पॉइंट में पॉसिबिलिटी ना होता तो सही होता नहीं बिल्कुल सही नहीं होता यार बिल्कुल सही होता ओके okay, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट वन अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन क्या होगा पहला

कुछ लोग कह रहे हैं ऑल रॉन्ग ऑल नहीं भाई फर्स्ट बिल्कुल सही है सेकंड देखते हैं ऑल बी आर ई इज अ क्या सारे के सारे बी जो है वो ई e हो सकते हैं क्या सारे के सारे बी

E से सिर्फ ई e से ए का एक रिलेशन है जब मैं बोलता हूं कि uh, no तो किससे है C से है से सिर्फ एक सम ए आर नॉट सी बाकी सी से ए में कोई रिलेशन नहीं है या फिर ए से सी में और भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा सिमिलर यह वेंडाग्राम हमेशा याद रखेगा वेरी 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 मच इंपोर्टेंट वेंडाग्राम ऑफ सिलोक ये आपका ई पे है यहां पे बी अभी बोला गया कोई रिलेशन नहीं जब कोई रिलेशन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी में चीजें सही हो जाएंगी बहुत सिंपल बात है ऑल बी बी आर ई ई इज अ सारे सारे के सारे बिल्कुल e हो सकते हैं कोई शक नहीं इस बात में आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑल ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ऑल ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी सारे के सारे ई ए, ए हो सकते हैं क्या क्या सारे के सारे ई जो है वो ए हो सकते हैं क्या ऑफकोर्स सारे के सारे ई जो है वो आपके ए कभी नहीं हो सकते सारे के सारे ई जो है वो कभी ए नहीं हो सकते रीजन क्या है बिकॉज की रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित है, है, है किससे सी से अगर ए प्रतिबंधित है सी से और सी के कुछ एरिया में ई e पाया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि जो जितना ई e, ये वाला एरिया जो पड़ रहा है ये कभी भी नहीं हो सकता दैट मीन ऑल नहीं हो सकता अगर ऑल नहीं होगा इसका मतलब क्या है अगर ऑल नहीं हुआ अगर ऑल नहीं हुआ ऑल ऑल ई जो है यहां है अगर ई e नहीं हुआ ए तो क्या हो जाएगा ये सम अगर बोला था, तो सही होता है ऑल ई आर ए बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ठीक है आई होप आइडिया क्लियर थर्ड इज रॉन्ग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मूव करते हैं आगे ऑल बी आर डी क्या सारे के सारे बी जो है वो डी हो सकते हैं क्या सारे के सारे बी जो है वो डी हो सकते हैं क्या एक बात देखिए यहां पे आप क्या सारे के सारे बी जो है कुछ अगर पूछा जाता है सम बी आर नॉट डी तो क्या बोलते हैं आप अगर मान लो पूछा जाता है आपसे सम बी आर नॉट डी तो क्या बोलते हैं आप इसको सही बोल देते आप मतलब आप कुछ बी के पार्ट को डी से प्रतिबंधित मानते हैं अगर मानते हैं तो भाई साहब ये सही कैसे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रहा हूं? That means possibility में हर चीज सही नहीं होता है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेंडाइग्राम द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंडाइग्राम एक्चुअली हां कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंडाइग्राम मैटर्स एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंडाग्राम हाउ द वेंडाइग्राम रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन दैट मैटर्स अ लॉट हियर इन दिल्किज्म चैप्टर ठीक है ये बहुत मैटर करेगा एक और दो करेक्ट है तीन और चार गलत है जबकि तीन और चार में पॉसिबिलिटी लगा हुआ है यही बात मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके दिमाग में बिल्कुल इसके जस्ट बाद शुरू करने वाले हम लोग आइदर और के जितने भी भ्रांति फैली हुई है आइदर और के डाउट जो है आपके मन में उस आइदर और के डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं हम लोग अभी जस्ट शुरू करने वाला अब हम डिस्कस करेंगे आइदर और कॉन्सेप्ट ठीक है निकिता कह रही है सर नो सर नो का रिलेशन है किस पे नो का रिलेशन है एक्जैक्टली ऑल बी आर डी में यहां पे बी और डी में को रिलेशन यहां तो पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड है ना पहले से ही सम पार्ट ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड है जिस रीजन से हमने इसको सही किया है इसी रीजन से हमने इसको गलत कर दिया ध्यान रखिए फर्स्ट और फोर्थ जो है बिल्कुल क्लियर है ऑल ई आर बी इज अ राइट पॉसिबिल रॉन्ग ऑल बी आर ऑल ई आर बी एक्चुअली ऑल ई आर बी हाँ सारे के सारे ई जो हैं वो बी हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे ई जो हैं वो ए नहीं हो सकते बहुत बढ़िया सवाल था ये बहुत बढ़िया वेरी गुड मूव करते हैं आगे आई होप आइडिया इज क्लियर आई होप आइडियाज क्लियर लेट्स मूव ऑवर टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग सेकंड को रिपीट करना सेकंड क्या है ऑल बी आर ई सारे के सारे बी जो है ना वो ई e हो सकते हैं सारे के सारे ई e जो है वो बी हो सकते हैं सारे के सारे ए ई e नहीं हो सकते सॉरी सारे के सारे ए जो है वो ई e भी हो सकते हैं और सारे के सारे ई e जो है वो ए e नहीं हो सकते ठीक है मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई साहब ये वाला जो वन डाइग्राम है ना इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना घूंट के पी जाओ आपको याद रहेगा कोई बंदा ये बात बताया था यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेंडाइग्राम है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है, क्लियर प्लीज ओके देखो बोला गया ऑल बी आर ई सारे के सारे बी जो हैं वो ई e हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं यार क्यों नहीं हो सकते क्या बी का कोई रिलेशन है इसे दर इज नो रिलेशन जब रिलेशन ही नहीं है सेकंड में सेकंड में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम आगे कैसे उसमें हम रिलेशन में पॉसिबिलिटी कैसे सही कर सकते हैं मतलब कि जब रिलेशन ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो सही हो ही जाएगा सिंपल सी बात है चलो इसके बाद अब इस चर्चा के बाद एक बार जिनको भी अभी इसके बाद भी स्टिल जिसके पास भी डाउट है सम सम इज अ पॉसिबिलिटी बी से कुछ भी तो डी हो ही सकता है यार जो रेस्ट पार्ट ऑफ बी है वो तो डी हो सकता है रेस्ट पार्ट ऑफ बी जो है वो सी हो सकता है क्योंकि रेस्ट पार्ट जो बी है उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई गई है उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहा गया है अच्छा अच्छा ये गलत है यहां पे ठीक है ठीक हाँ, है थैंक यू सो मच नो 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 आई डोंट वांट टू ड्रॉ अनदर वेन डायग्राम कभी नहीं ये गलती इसी ही तो गलती करती कंफ्यूजन चलिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आइदर और आइदर और कंडीशन आइदर और क्या कहता है उसे बात कर लेते हैं फटाफट आइदर और कंडीशन फॉर आइदर और सबसे पहले कुछ कंडीशन है उसका ध्यान रखिए कंडीशन क्या है आइदर और आइदर कंडीशन जो है अर्चना देवी जी बिल्कुल हाई लेवल की प्रिपरेशन होगी पहले तो इस लेवल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी मैं लेवल बढ़ा ही कहा रहा कहा ठीक है चलो हां जी नेक्स्ट आपके सामने कंडीशंस आ चुके हैं आइदर और के लेट्स टॉक अबाउट द आइदर ऑर कंडीशन नाउ सो देर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस फॉर आइदर और आपके पास तीन कंडीशन है आइदर और के आई होप आइडिया इज क्लियर ये आपके तीन कंडीशन है आइर के आपको नजर आ रहे होंगे ये तीन कंडीशन है आइदर और के ठीक है कंडीशन वन कंडीशन वन आपको नजर आ रहा है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम दिए गए दो निष्कर्ष कब आइदर और हो सकता है पॉसिबिलिटी में कब सही होगी कब गलत होगी समझ नहीं आ रहा देखिए सिंपल सी बात है आप अगर कल क्लास किए हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एलिमेंट्स में रिलेशन होगा तो हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते उसके अलावा हर समय लगा सकते हैं सिंपल सी बात है तो अगर कोई रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें पॉसिबिलिटी लगाया गया है तो वहां पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा और अगर एलिमेंट में जैसे हमने अगर इस इस दो कंक्लूजन को अगर हमने गलत काटा है अगर यहां गलत काटा है मतलब कि पक्की बात है कि सारे के सारे ऑल ई आर ए में कुछ ना कुछ ई का पार्ट जो है से ई है यहां पे और यहाँ पे ए है तो कुछ ना कुछ पार्ट ई का ए से संबंधित होगा पहले से इसलिए सारा पार्ट हम नहीं कह सकते देखो और ये वाला पार्ट जो है ना ई का वो कहीं ना कहीं संबंधित है ए से निगेटिवली संबंधित है रेस्ट्रिक्शन वाला लगा हुआ है कुछ पार्ट ऑफ ई के तो हम ऑल का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ऑल बी आर डी कैसे भाई गलत हो रहा है संभावनाएं सिर्फ तभी गलत होंगी जब उन एलिमेंट के बीच पहले से ही पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन मौजूद होंगी जो कहता है नोट नंबर थ्री जो नोट नंबर थ्री कह रहा है सिंपल सी बात है यार एकदम मासूम बात है क्यों रट्टा लगाना चाह रहे हो कॉन्सेप्ट से समझो ना बहुत सिंपल बात है जो रिलेशन पहले से मौजूद होगा उसके बारे में हम संभावना क्यों लगाएंगे और जहां रिलेशन नहीं होगा वहां पर संभावना बातों को सही कर पाएंगे बहुत सिंपल बात है इससे अलग कुछ बात ही नहीं पूरे सिलोगिज्म में पूरे सिलोगिज्म में सिर्फ ये दो बातें संभावनाओं के लिए याद रखिएगा अगर कोई रिलेशन ऑलरेडी वेन डायग्राम में एग्जिस्ट करता है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव रिलेशन हो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है वहां पर तो उसकी संभावना जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी और अगर रिलेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है दिखाई दे रहा है कि दोनों एलिमेंट में अलगाव है या फिर ब्लैंक स्पेस उस एरिया के बारे में पूछा गया जहां पे जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे बेखौफ संभावना लगाओ इससे क्लियर बात कुछ हो ही नहीं सकती है ठीक है क्लियर है बात आई होप इज क्लियर नाउ बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल बात है मूव करते आगे

पहला कंडीशन आगे सामने है बोथ द एलिमेंट्स बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम दोनों 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 के दोनों जो आपके एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों एलिमेंट्स मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात हो रही है दोनों ही एलिमेंट्स मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए मूव करते हैं आगे उसके बाद वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वेर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव एक आपका सकारात्मक होना चाहिए दूसरा नकारात्मक होना चाहिए तीसरा कंडीशन है ये आपका दूसरा हो गया तीसरा कंडीशन कह रहा है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग दोनों के दोनों निष्कर्ष जो होने चाहिए वो क्या कहने चाहिए गलत होने चाहिए दैट की से कंडीशन में होना चाहिए या फिर वो भी कैसे इंडिविजुअली मतलब कि अलग अलग तौर पर उसे आके हम लोग तो वो क्या होना चाहिए आपका कांट से होना चाहिए दैट मीनस की इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए आई होप आइडियाज क्लियर नाउ ठीक है राहुल साहा जी रुक जाइए अब इतना आराम इतना इतने बार मैं एक्सप्लेन किया हूं सेकंड को इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं आप भाई सिंपल सी बात थी सेकंड वाले में जिनको भी कंफ्यूजन है थोड़ा पढ़ लिख के आओ मैं सिंपल कह रहा हूं सेकंड वाले में एलिमेंट दोनों एलिमेंट में रिलेशन नहीं है दर इज नो रिलेशन अगर किसी दो एलिमेंट में रिलेशन ही नहीं है भाई साहब तो उनके बीच में संभावना तो सही होंगी ना अब ये बात देखना तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप देखो एलिमेंट में रिलेशन है या नहीं है सिंपल सी बात है चलो नाउ विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है बहुत सुकून से सुनना भी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत सारे बच्चे परेशान हैं आइदर और कंडीशन को लेकर कि सर कंडीशन क्या होता है और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हम जज करते हैं क्या उसमें एलिमेंट्स आपके आ, इंटरचेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्या होते हैं कंडीशंस देखते हैं बहुत ध्यान से मैंने सर पहले मैं बताया पहला कंडीशन कि आपको अलर्ट कब होना है कब आप अलर्ट हो जाओगे कि ये आइदर और कंडीशन में हो सकता है ठीक है तो सबसे पहली बात एलिमेंट ए यहां पे है बी यहां पे बी यहां कि जैसे ही आपको दो कंक्लूजन में एलिमेंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉमन दिखाई दे रहे हैं आप अलर्ट हो जाओगे किस चीज के लिए आप अलर्ट हो जाओगे कि आइधर हो सकता है दूसरी बात अफकोर्स आप अलर्ट हो कि आइधर हो सकता है दूसरी बात जैसे ही आपने उसको देखा कि ये आपके एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आप और भी पुख्ता होगा कि भाई साहब ये जो हमने जिनको हमने जिसमें हमने जिन दो सेंटेंस में हमने एलिमेंट्स को ढूंढा है कॉमन उन्हीं दोनों एलिमेंट्स वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी है ठीक है तीसरी बात अब उसका आप आंकने जा रहे हो अपने स्टेटमेंट में और जैसे ही हाँ जैसे ही आपने उसमें देखा कि आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो गए आप बोलेंगे भाई साहब अब ये आइदर और केस है अब आप कॉन्फिडेंटली क्या कह सकते हैं कि वो आइधर और केस है ये तरीका होता है ठीक है तो सबसे पहली बात कि हम लोग कब कब किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस तरह के दिखाई देंगे वो चीजें आ, देखो एक बात समझा देता हूँ मैं सम एंड सम नॉट क्यों आइदर होता है मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ एक्चुअली मसला यही है मैं यही बोल रहा हूँ मैं कि लोगों को लगता है कि सम सम नॉट नहीं होता है आइदर बिल्कुल होता है क्यों होता है बता देता हूँ मैं सिंपल समझिए ना यहीं पर एक एलिमेंट है यहाँ पे सम ए आर सी मानो लिख दिया मैंने सम सी आर बी लिख दिया बहुत ध्यान से आपके सामने स्टेटमेंट था सम बहुत सुकून से सुनना अभी कमेंट करना बंद करो सुनो यहाँ पे सम ए आर सी और सम दूसरा स्टेटमेंट है सम सी आर बी आपका यह स्टेटमेंट था आपने इसको ड्रॉ किया और आपके सामने कंक्लूजन आता है सम ए आर बी दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी यू हैव क्लियर आइडिया दैट एलिमेंट ए एंड बी इज नॉट रिलेटेड वेरी सिंपल थिंग दैट्स 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 ना आई एम टेलिंग यू योमा जी आप बहुत ध्यान सुनिए ना सिर्फ बोलना मैटर नहीं करता ना कि हम बोल दिया नहीं होता अरे भाई क्यों नहीं होता है ये देखिए ना कि क्यों होता है या क्यों नहीं होता है सम ए आर बी बहुत सिंपल आपके पास भी दिमाग है आप भी पढ़े लिखे स्टूडेंट uh, हो आप चुपचाप सुनो बातों को और एनालाइज करो कि वाई इज विल कम इन द आइदर कंडीशन सम ए आर बी सम या नॉट बी नाउ आपके पास इस ए और बी को लेके कुछ भी आइडिया नहीं है ट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस ए एंड बी बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड दोनों एलिमेंट जो है आपस में रिलेटेड नहीं है और आइदर का मतलब क्या होता है आइदर आइदर का मतलब ही क्या है आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू मतलब आप ये कहते हो कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा इसमें कोई शक नहीं है मतलब ये वाली कंडीशन है जब आपके इन एलिमेंट्स में रिलेशन ही नहीं है जब इन एलिमेंट्स में ए और बी में रिलेशन ही नहीं है और आपके सामने ये दोनों बातें रख दी गई रिलेशन का मतलब क्या है रिलेशन नहीं का मतलब क्या है कि हमें नहीं मालूम है वी डोंट हैव वी डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस हो सकता है दुनिया में कहीं जैसे दो पैडल लाइन जब चलती हैं तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है कि वो कब तक पहल तो क्या बोलते हैं इन्फाइट में जाके मिलेंगी किसने देखा है ये बात किसने देखा कि जब पहले लाइन चलती है जब दो लाइन पैलली होती है वो जा रही होती है तो क्या पढ़ा हमने मैथमेटिक्स में कि वो एक इन्फाइट पे जाके मिल जाती है ये सीखा हम लोगों ने राइट द सेम थिंग विल अपलाई द सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अपलाई एनी आइडिया अबाउट द एलिमेंट्स ए एंड बी अगर हमारे पास मालूम है कि इस वेन डायग्राम में एलिमेंट ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें तो इसके बीच में अगर बोला जाए सम ए आर बी तो हम बोलेंगे भाई हो सकता है कि संभावनाओं में यह बात सही हो और अगर सम ए आर बी अगर ये बात संभावनाओं में सही होगी तो जाहिर सी बात है इसको हम नहीं मना सही सही कर पाएंगे उस वक्त मतलब अगर इसको हम सही कहते हैं अगर ये बात हमारी सही इसको मान लो हमने सही कह दिया कि hmm. भाई मान लेते हैं कि अगर सम ए आर बी सही है तो ऑफकोर्स आर बी क्या हो जाएगी संभावना हो जाएगी और अगर हम सम ए आर बी को सही मान लेते हैं वास्तविकता में तो सम की क्या हो जाएगी संभावना हो जाएगी एक बात सिंपल ध्यान रखिएगा कि जब सम को हम डेफिनेटली मान लो स्टेटमेंट होता है जब सम ए आर बी सम ए आर बी जब स्टेटमेंट होता है मतलब जब हमारे पास वेंडागराम ये वाली होती है तो इसमें से ए आर नॉट बी को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लेकिन ए आर नॉट बी को सही कब बोलते हैं हम लोग संभावना में सही बोलते हैं आई होप आइडिया क्लियर जब हम लोग इसको हम लोग जब लिखते हैं यहां पे सम ए आर नॉट बी और इसमें हम लगाते हैं पॉसिबिलिटी तभी सही कर पाते हैं ना द रीजन इज स्टेटमेंट इट से हमें इन दोनों ही कंडीशन को जब एलिमेंट ए और बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और दोनों ही बातें हमारे सामने पटक दी गई हैं रख दी गई हैं तो बोलेंगे भाई साहब या तो पहला या तो दूसरा हमें सही मानना होगा क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट अब सम है सम का दो ही पहलू है सम एक एक मान लो सम्वाइन है और क्वाइन का दो पहलू होता है हेड और टेल अगर अगर उछाला जाएगा तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा ही होगा ना फकोर्स एक थर्ड कंडीशन भी है लेकिन फिलहाल हम सिंपल कंडीशन सोचते हैं या तो हेड होता है या तो टेल आता है जब उछालते हैं तो सिमिलरली अगर दो एलिमेंट में रिलेशन नहीं हो पे एक सम के केस के बारे में बात करें तो सम के केस दो ही होती हैं या तो सम हो सकता है या तो सम नहीं होगा सिंपल सी बात है अब जब दोनों ही रख दिया गया हमारे सामने तो ऑफकोर्स किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना यार कि ऑफकोर्स या कुछ ना कुछ तो ए होंगे भी अगर उसको सही मानते हैं दूसरा गलत हो जाएगा और दूसरे को सही मानते हैं तो पहला गलत सही हो जाएगा ये तन तरीका होता है अगर ऑफ कोर्स अगर वास्तविकता सही हो रही उसको अगर वास्तविक में मान लीजिए अगर वास्तविकता सही हो रही है तो संभावना में ये आपका ये संभावना में सही होगा और अगर ये संभाव ये पॉजिटिटी में जाकर सही होना चाहिए और अगर ये वास्तविकता में सही हो रहा है सेकंड वाला तो ये पॉजिबिटिव में सही होना चाहिए सिंपल सी बात है शुभम कौंडल <coughs> जो बोलते हैं कि सर ये आयदा और नहीं होता है बस मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भी सवाल कर सकते हैं उनसे कि सर क्यों नहीं आप एक प्रूफ कर सकते हैं क्या प्रूफ, प्रूफ पूछा कीजिए उनसे यही बोल रहा हूं ना मैं हवाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही हवाबाजी में मैं चाहता हूं कोई करे बिल्कुल ध्यान से उनसे पूछिए कि सर क्यों आखिर ये होता क्या है वाई, वाई हाउ दिस वर्क्स सिर्फ रट्टा मार के क्या बोल दिया क्या हेलो सर आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू विदेश सर आप यूपीएससी का पेड बैच कब से लेंगे आऊँगा जल्दी आऊंगा उस बैच में बैच तो चली रही है आपकी अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें बाकी सब्जेक्ट्स में आऊँगा उस बैच में भी आऊँगा यूपीएससी यू पी में जल्दी आऊंगा ठीक है एक मिनट सुगम कह रहे हैं सर हाँ हम भी यही मानते थे सर सम सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं बट ठीक है ठीक है, है नाम मत लीजिए किसी का ठीक है <laughs> नहीं नहीं <coughs> देखो मैं हवा में कुछ नहीं कह रहा हूं मैं हाँ, इसलिए हवा में कुछ नहीं कहता हूं मैं कहता हूं कि क्यों हो रहा है वी आर हेयर टू डिस्कस द थिंग्स इट इज हैपनिंग एक्चुअली वाई वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सम 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 एंड नॉट एज आइदर और और केस द रीजन इज नॉट हा बिल्कुल बफर तो नहीं कर रहा होगा आज कोई नहीं कह सकता बफर हो रहा है एक बार फट फट कमेंट कीजिए बताइए तो क्या बफर हो रहा है क्या आज आज आई डोंट थिंक बफर हो रहा होगा आइए ना एक एक यहां पे क्या रखा हुआ? यहां पे रखा हुआ है एक यहां पे रखा हुआ है एक्सेप्शन आप देखिए ना एक्सेप्शन ही बहुत कम लोग बताते होंगे

भी बहुत ध्यान सुनना ये वाली बात जबरदस्त है मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है इतना जबरदस्त क्लियर होने वाला है अभी एकदम 100 परसेंट सोलह आने एकदम क्लियरिटी क्लियरिटी हो जाएगी अभी जब मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा ऑल ए आर बी एंड नो ए आर बी पहला निष्कर्ष से ऑल ए आर बी सेकंड कह रहा है नो ए आर बी बहुत सुकून से बहुत तबियत सुनना इस बात को एकदम चकाचक तरीके से ठीक है ठीक है चलो आप सुनो मैंने क्या तरीका मैंने क्या बताया मैंने अप्रोच क्या बताया no तो नहीं, नहीं होगा तो मुंह बन जाएगा मतलब सिंपल बता रहा हूं मुंह बनाना है तो ऐसे ही करो मतलब जब कोई चीज कॉन्सेप्चुअली नहीं समझाई जा रही हो तो पूछो ना भाई क्यों सर क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं देखो एक्सेप्शन लिखा हूं तो उसका भी रीजन दूंगा केस है ना डिस्कस कीजिए इस बात को जिस रीजन से जिस तरीके से मैंने रीजन दिया आपको सिमिलर रीजन से मैं इसको काटूंगा ध्यान देखिएगा ऑल एआरबी मैंने क्या बोला कि अगर इसको हम डेफिनेटली सही मानेंगे तो संभावना में सही होनी चाहिए ये कहां सही होनी चाहिए पॉसिबिलिटी में यही बात मैंने बोला अगर ये हम डेफिनेट में सही मानेंगे हमारे तो इसको पॉसिबिलिटी में सही होना पड़ेगा और इसको अगर हम डेफिनेट मानेंगे तो वर्स इसको पॉसिबिलिटी में सही होना पड़ेगा यही ना अब ध्यान से देखिए यहां पे ऑल ए आर बी अब एलिमेंट ए और बी में रिलेशन नहीं एकदम सब कुछ क्लियर होने वाला है ऑल ए आर बी एलिमेंट ए और बी में रिलेशन नहीं है अगर एलिमेंट ए और बी में रिलेशन नहीं है और हमने कहा कि भाई साहब इसको मैं डेफिनेट में सही मान रहा हूं

एग्जैक्ट थिंग वट आई एम टॉकिंग अबाउट सो लेट्स डिस्कस द थिंग हमेशा यही बात में कह रहा हूं कि डिस्कस करो ना यार क्यों ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्यों ये एक्सेप्शन है और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हवा में कोई बात नहीं करने का आई होप योर आइडिया इज सौ परसेंट क्लियर आइडिया क्लियर है ना एकदम आइडिया क्लियर है अभी हम ये भी बताएंगे आपको फ्लिप करके कि भाई कहां कहां पर हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं वही बताऊंगा जल्दी से बिक क्विक तो आई होप यिया क्लियर हो चुका होगा मैं इसको रफ कर रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सो दिस वॉज द रीजन वाई वी यू टू से भाई ये होगा ठीक है ठीक है आई होप आइडिया क्लियर ओके चलिए मूव करते हैं आगे अब एक बात देखते हैं क्या इधर देखो इसमें ध्यान रखना मैं इसमें यहां लिख देता हूं एक बार और इसका चार्ट भी आगे बना हुआ है तो चार्ट के आधार पे आप क्या करना उसको एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट स्क्रीन जरूर ले लेना आप कब सही होगा देखो इसको अपन हम लोग क्या कर सकते हैं इसका अगर ऐसा लिखा रहेगा ना सम ए आर नॉट बी एंड यहां पे ऑल बी आर ए तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बन पाएगा ठीक है लेकिन यहां पे लिखा रहेगा सम ए आर बी एंड यहां लिखा रहे बी आर नॉट ए तो ये हमारा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा सिमिलरली अगर लिखा रहेगा सम A R B -A N O B R A तो ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा तो मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं देखिए यहाँ पे ये जो फ्लिप किया हम लोगों ने ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये चीज़ ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये चीज़ ठीक है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ये अगर कर रहे हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का ठीक है ठीक है ठीक है

ठीक है ठीक है ठीक है आई होप आइडिया इज क्लियर ठीक है वेरी गुड हां क्वेश्चन करेंगे अभी जयदीप कुमार जी ऑफ कोर्स क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं हम लोग अभी क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं और यहां पे फिर आपका क्रॉस में क्या करता है सम सम नॉट एंड नो काम करता है ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले होंगे आप लोग मूव करते हैं आगे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मूव करता हूं अगले सवाल पे अब अब आई दर पर बेसिक बेस सवाल कर लेते हैं जल्दी से देखो एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं मैं डेली देखता हूं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लाइव होते हैं वो सिर्फ 350 तक ही होते हैं 350 ये मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अगर आप एक बार देख लो कंपेयर कर लो यार मैं तो कह रहा हूं कंपेयर करो खुल के कंपेयर करो जब लोग कैंची लगाते हैं तो कंपेयर करो ना आप बाकी के एक प्लेटफॉर्म पे भी जाके कंपेयर कर लो कि इतना ज्यादा डिटेल्ड र, 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 कोई रीजन दिया है क्या आपको अगर कोई रीजन नहीं दे रहा है डिटेल इतना तो फिर आइए ना फिर इतना मेहनत अगर किया जा रहा है तो मुझे भी तो चाहिए आपकी तरफ से रेस्पॉन्स फ्री क्लास है तो मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए मुझे आपकी तरफ से चाहिए सिर्फ आपका लाइक like, शेयर मतलब मुझे यहाँ पे क्राउड दिखना चाहिए तभी मुझे लगा कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो सार्थक जा रहा है अदरवाइज मुझे लगा कि ठीक है यार मैं भी मतलब नॉर्मल normal, नॉर्मली पढ़ा रहा हूं बिल्कुल इतना रीजंस सब कुछ जो कह रहा हूँ उतना कोई मतलब नहीं बनता सब कुछ का इतना जो रीजन देता हूं वो बहुत ज्यादा लगता है कुछ अच्छा नहीं है तो उस चीज को अगर आपको लगता है कि बहुत बेटर है तो यू शुड शेयर द सेशन यू शुड टेल योर फ्रेंड्स की ऑफकोर्स नाउ नो डाउट विल बी इन रीजनिंग सेक्शन अगर इन सर से पढ़ रहे हो तो बेकॉफ शेयर करो इसको लाइक like करो बताओ दोस्तों को क्योंकि ऑफकोर्स मैं अड्डा टू फोर सेवन वाले बैंकिंग चैनल पर नया हूं लेकिन मैं उसके पेड क्लासेस में या फिर अड्डा पे बहुत दिन से क्लास ले रहा हूं ठीक है आई होप आइडियाज क्लियर सो मूव करता हूं अब सवाल इस फटाफट कि किस तरह से हम लोग इसको जज करें क्वेश्चन एक आपके सामने आ गया है फटाफट इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो आइदर और कंडीशन है उसको हम कैसे क्लियर करें सम एआरपी पहला स्टेटमेंट क्या है सम ए आर बी नेक्स्ट है सम बी आर सी नो सॉरी नो बी आर सी नो बी आर सी ठीक है एंड ऑल डी आर ई और सारे के सारे टी जो है वो ई e है ठीक है ये डायग्राम है मैं एक बात लिख के दे रहा हूं मैं एक बात लिख के दे रहा हूं कि आपको इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट का पूरे के मतलब जब भी आप सिलोगिज्म दिमाग में आता हो तो वेन डायग्राम आपके दिमाग में इससे जुड़े हुए सारे निष्कर्ष का आइडिया अगर कूट कूट के भरा हुआ आपके दिमाग में कॉन्सेप्टी तो आपको में शायद ही कष्ट होगा ये बहुत ज्यादा मतलब क्लियर है तो आपके बहुत सारे क्योंकि देखो ना हर डायग्राम में कहीं ना कहीं घूम फिर आएगा चाहे कोई बड़ा डायग्राम होगा उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा तो हर सवाल में ये वाला कॉन्सेप्ट घूम फिर आएगा तो क्या कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं अनुराग जी थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न ठीक है चलो नहीं देखो YouTube पे आपको फ्री में इतनी चीजें मिलती हैं तो ऑफकोर्स मेरा भी थोड़ा सा ना लगेगा अच्छा नो सी आर डी है यहां पे सॉरी 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 मैंने सम पढ़ लिया था उसको आ, सम ए आर बी नो बी आर सी नो सी आर डी सॉरी नो सी आर डी है नो सी आर डी एंड ऑल डी आर ई अभी ठीक है, थैंक यू सो मच किसी ने बता दिया था मैं गलत हो गया ठीक है कोई बात नहीं क्या कह रहे okay. हैं कुछ डी जो है ना वो ए है डी और ए में कोई रिलेशन है क्या कोई बेचारा डी और ये एक दूसरे को जानता भी है क्या एकदम बिल्कुल देसी में आओ यार क्या डी ए को जानता है क्या जानता ही नहीं जानता ही नहीं तो मतलब क्या है फिर जब जानता ही नहीं है तो हम उनके बीच में वास्तविक टिप्पणी नहीं करेंगे भाई एकदम किसी को आप नहीं जानते हो उसके बारे में कोई भी डेफिनेट बात करना गलत है एकदम पाप है वो घोर पाप है और वही पाप है उसी तरह का पाप है जो आप करते हो लाइक शेयर नहीं करते हो ठीक है तो पाप मत करो यार मस्ती से आओ मैं मस्ती से पढ़ाऊंगा तुम मस्ती से जुड़े रहो मुझसे बस एकदम जबरदस्त खेलेंगे अभी तो ये सिर्फ पहला चैप्टर है अभी तो पूरा बचा हुआ है रास्ता बहुत कुछ सीखने वाले हैं पजल्स मैं पजल से सिखाऊंगा आपको कि सेंटेंस का से कंक्लूजन कैसे निकालना है मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा बहुत अच्छे से मतलब सॉल्व तो कर ही लोगे आप मुझे पता है कि आप बहुत बढ़िया सॉल्व करोगे लेकिन सॉल्व करने से मैं जो दिक्कत आती है ना वो आती है कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ करें आप जितना सिंपल कंक्लूजन को ड्रॉ करना सीखोगे जो क्लू दिए जाते हैं उतना ही बेहतर पजल्स आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे ठीक है ना तो Uh, हरबड़ी में कलम नहीं चलाना होता है दिमाग हरबड़ी में चलाना होता है वो चलाने के लिए आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट होना चाहिए ठीक है मुंह करते हैं आगे नो no डी अगला कह रहा है नो डी आर ए डी और रिलेशन नहीं है भाई साहब फिर से गलत हो गया दैट मीनस की तुरंत देखेंगे आप भाई साहब दोनों गलत है एलिमेंट सेम है एक पॉजिटिव निगेटिव है ये लगा दीजिए यहां पे इधर और ठीक है मुंह करते आगे ऑल बी आर डी इज ए सारे के सारे बी जो है वो डी हो सकते हैं क्या सारे के सारे बी डी हो सकते हैं क्या भाई बी और डी में रिलेशन है क्या नहीं है ना भाई तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा b और d में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसके बारे में हम कोई भी टिप कर लें कुछ भी सही हो जाएगा no ar d a और d में कोई रिलेशन है, को, कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दैट मींस की ओनली थर्ड एंड फोर्थ एंड आइदर 1 और 2 इज ट्रू ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है आइदर 1 और 2 एंड 3 4 इज करेक्ट आई होप आइडियाज क्लियर आई होप आइडियाज क्लियर

पजल uh, के हमें सारे चैप्टर में बहुत uh, मस्ती होने वाला है बहुत मजा आने वाला है बहुत आराम से पढ़ने वाला है बस आप अपने तरफ से अपना कर्तव्य ध्यान रखो बस आप अगला सवाल अगला कुछ सवाल जो मैं ए और बी से बाहर निकला हूं थोड़ा सा मैं और यहां पे कुछ और डिफरेंट वे में मैंने एलिमेंट्स रखे हैं ताकि आपको यह ना लगे कि सिर्फ हम लोग ए और बी पे ही काम कर रहे हैं थोड़ा सा मैं यहां पे आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है सम स्टार्स आर जग ठीक है नो जग इज ग्लास ठीक है एंड सम ग्लास आर टेबल ठीक है देख लो हर बार एलिमेंट्स के जब भी चार चार स्टेटमेंट बना रहे हैं ऐसे ही मतलब ये सम सम नॉट आर आर बी बी एंड नो सी वाला कंडीशन आपके पास आ रहा है थ्री राइट कैसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट थ्री राइट कैसे हुआ देखिए यहां पे कुछ लोगों को डाउट है यहां पे सिंपल सी बात एक मिनट ये एलिमेंट ए है ये एलिमेंट बी है और ये एलिमेंट सी है मान लो ये मैं हूं दिस इज मी इज माई फ्रेंड is, is uh, चलो इतना दूर नहीं जाते हैं uh, ये मान लो इंडिया है ये आपका चाइना है और ये आपका यूएसए है बहुत ध्यान समझना इंडिया चाइना एंड यूएसए तीन एग्जाम्पल मैंने लिया है तीन एलिमेंट में लिखते यहां पे ठीक है इंडिया चाइना और यूएसए इंडिया की लड़ाई किससे है अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम इंडिया की रेस्ट्रिक्शन किससे लगी हुई है इंडिया की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है चाइना से और चाइना की रेस्ट्रिक्शन किससे लगी हुई है यूएसए से ठीक है ना सो दैट मेक सेंस कि इंडिया की लड़ाई तो भाई बी से है ना वो सी को जानता ही नहीं है वो सी को नहीं जानता दैट मीन्स इंडिया जो है वो यूएसए को नहीं जानता है उसमें कोई मतलब ही रिलेशन ही नहीं है दे आर नॉट रिलेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मीन्स कि अब ए और सी के बारे में हम कुछ भी बोलें हम कुछ भी हम क्या बोलेंगे कुछ भी पॉसिबिलिटी कुछ भी पॉसिबिलिटी जो होगा पॉसिबिलिटी जो होगा ना वो सही होगा सही होगा ठीक है कुछ भी पॉसिबिलिटी सही होगा यहां पे कुछ भी <laughs> चाइना का नाम मत लो, ठीक है चाइना का नाम लेना पड़ रहा है यार ताकि तुम लोग थोड़ा ध्यान से सीखोगे <laughs> ठीक है ए और सी में देर इज नो रिलेशन सो वी कैन एक्सेप्ट एनीथिंग

और आई थिंक इंडिया ने सब सही है ना कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने सब ठीक है हाँ पहला निष्कर्ष सम सम टेबल्स टेबल्स आर आर स्टार स्टार कोई रिलेशन है पे टेबल स्टार में कोई रिलेशन नहीं है फटाक से काटो सम ग्लास आर कप कुछ ग्लास जो है वो कप है ग्लास और कप में कोई रिलेशन नहीं है काटो फटाक से नो टेबल इज स्टार कोई टेबल स्टार नहीं है फिर से क्या हो गया नो टेबल इज स्टार क्या है रिलेशन नहीं है फिर से गलत हो गया तुरंत याद आना चाहिए भाई साहब यहां टेबल है स्टार है यहाँ टेबल स्टार है तो ये आइदर हो सकता है फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आइदर हो सकता है ठीक है ठीक है ओके

बिल्कुल नहीं हो सकती बफराज पांच सौ है भाई <laughs> समझ रहे हो हाँ फोर्थ फाइव को जो है हम लोग फोर्थ फाइव को हम लोग आइडर नहीं कर सकते ये आइडर नहीं लगेगा लिखा हूं मैं यहां पे दैट मीन ये क्या होंगे आईदर नहीं लगेगा यहां पे आइडर नहीं होगा रीजन क्या है एक्सेप्शन पॉइंट ठीक है आई होप मूव करते हैं आगे एक सवाल और कर लें क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट कुछ हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेकेंडरी की होते हैं उसका इस्तेमाल कर लें क्या फटाफट आइए ओके सो फटाफट से सेम सवाल है इसको मैंने क्या किया देखो भाई जो हिंदी वाले बच्चे हैं प्लीज आप इसको इसमें मतलब सर हिंदी में नहीं लिखा आपने ठीक है मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखा हूं स्टार्ट करते हैं सवाल को सेम वाग्राम है ऑल कप्स आर एक लास्ट फटाफट फटाफट सवाल हैं, निष्कर्ष है, इसको डिस्कस करते फिर निकलते बहुत सारे लोगों ने कहा है यार, बिग बॉस वाली बात पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग मुझे नहीं समझ में आता है, वैसे मैं बिग बॉस नहीं देखता हूं आपकी आवाज नहीं कौन सा एक बंदा था विशाल उस, उससे मिलती है कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं so, some, एंड नो आर ग्लास ऑफ कोर्स एंड सम ग्लास आर टेबल ये दिस इज वेन वेंडा पिछला ही सवाल है वेन बिल्कुल आपके सामने सेम होगा कर दूंगा निकिता अब आवाज नहीं कर सकता उसको इतना हड़बड़ी में नहीं हो पाएगा कल करते हैं अपन उस जो इंपॉर्टेंट वाला वेंडायराम है उस, उस पर कुछ सवाल लेके आऊंगा कल और उसको कल डिस्कस कर लेंगे ठीक है आज यहीं तक रखते हैं मूव करते हैं इस सवाल पे चलते हैं ये दस निष्कर्ष हैं फटाफट इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से पहला निष्कर्ष

पहला है अफ्यू जग्स आर नॉट ग्लास बोल रहा है कुछ अफ्यू मतलब क्या हो जाएगा सम इसको हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे सम की तरह तो यहां है वो ग्लास नहीं है ऑफकोर्स पूरे पूरे जब जग जो है ग्लास नहीं है तो कुछ पार्ट जो जग का है वो भी ग्लास नहीं हुआ तो पहला क्या है बिल्कुल ट्रू है ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर ना बात मैंने एक्सेप्शन बता दिया है यार मैंने ऑल नो no के बारे में बता दिया है नाबी अली मैंने बता दिया है कि ऑल नो no क्या होता है आपका एक्सेप्शन होता है चलिए मूव करते हैं आगे नो जग आर टेबल नो जग आर टेबल अब नो जग टेबल तो नहीं बोल सकते हम लोग पहला क्या हो दूसरा क्या हो गया थर्ड है

ये रहा चाइना चाइना क्यों ला रहे हो भाई चाइना तो ऐसे ही कंट्री में घुसा हुआ है तो चाइना क्यों बोल रहे हो बार बार ठीक है देखो यहां पे इंडिया है यहां पे चाइना है जब पूरे भारत की लड़ाई पूरे चाइना से है तो जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ की लड़ाई भी चाइना से होगी होगी ये अल्टीमेट बात है इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं बहुत सिंपल बात है ये ठीक है ठीक है क्लियर है बात हाँ तो अगर पूरा पूरा प्रतिबंधित है दो एलिमेंट तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट भी जो प्रतिबंधित होंगे तो पूरा पूरा जग प्रतिबंधित है जग ग्लास से तो इतना पार्ट भी क्या है प्रतिबंधित है मतलब रेस्ट्रिक्टेड है उसको भी हम निगेटिव रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट सम स्टार आर ग्लास टाइम बहुत कम है मेरे पास दो से तीन मिनट समय है जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा ठीक है मूव करता हूं आगे ठीक है

सभी स्टार जो है वो ग्लास कैसे हो जाएंगे ये वाला एरिया देखिए ना यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है प्रतिबंधित है ना भाई वो किस में है जग में है और ये वाला अगर एरिया जग में है और जग पूर्णतः प्रतिबंधित है ग्लास है तो वो वाला सम का एरिया भी तो प्रतिबंधित होगा मूव करते आगे ऑल टेबल्स आर जग इज सारे के सारे टेबल जो है वो जग है इसकी संभावना है सारे के सारे टेबल जग हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं क्या सारे के सारे जग टेबल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते है? ठीक है ध्यान रखिएगा ऑल ग्लास आर स्टार इज ए पॉसिबिलिटी सारे के सारे ग्लास स्टार हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सम कप्स आर टेबल इज पॉसिबिलिटी कुछ कप जो है वो टेबल हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं ठीक है दैट की सैंडी uh, सैंडी कह रहे हैं सम सम नॉट का केस बता दीजिए क्या केस उसके बारे में ठीक है आई होप टाइम इज कल डिस्कस करेंगे वनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट वनली कॉन्सेप्टी अ फ्यू कॉन्सेप्ट और हम लोग इस वाले वेंडा की भी चर्चा कल करने वाला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेंडाइराम ऑफ सिलोगिज्म है ये वाला इस पर देखो हमेशा सवाल बैठता है इस पर कल कुछ डिस्कशन कर लेंगे हम लोग इस वाले वेंडाराम की कल बात कर लेंगे वन लिया की बात कर लेंगे और इस तरह के जो भी हैं जैसे कि सर कैन नेवर और कैन नॉट और कैन नेवर में क्या डिफरेंसेज हैं वो सारे इस तरह के सवाल कल लेके आएंगे आपके सामने और परसों बात करेंगे हम लोग निगेटिव पॉसिबिलिटी की मतलब कि एक दो कदम और आगे मतलब कि सम ए सम ए बींग बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी इस तरह की चर्चा हम लोग परसों करने वाले हैं ठीक है सॉरी ऑल टेबल आर जग इज पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा सही बात है थैंक यू सो मच इसने बताया मुझे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दैट दट अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड ऑल टेबल आर जग इज इज रॉन्ग कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ऑल यहां जग पढ़ लिया था ऑल टेबल आर जग बोलेगा दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया हम लोग क्या करते हैं सारे के सारे टेबल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जग के अंदर लेकिन अगर सारे के सारे जग पूछा जाता जा तो क्या करते है? सही कर देते इसको एट को करेक्ट कर लीजिएगा लीजिएगाट जो होगा बिल्कुल रॉन्ग है वहां पे ठीक है हाँ जी चलिए टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है समय जो है इशारा कर रही है कि समय खत्म करो हाँ हाँ ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड स्टडी वेल कल मिलते हैं और ध्यान रखिए कल और जो बच्चे इस सेशन को बाद में देख रहे हैं मतलब कि लाइव नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा आपको और जिन बच्चे जिन जो बच्चे अभी लाइव भी देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं और बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको और और क्लास में ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए बिकॉज मैं देख रहा हूं कि तीन सौ तक ही जा पा रहे हैं हम लोग और ये बिल्कुल सही नहीं है मैं डेली really कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ यहीं तक रह पा रहे हैं ये थोड़ा सा इसमें आपको सपोर्ट चाहिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और इसमें आपको सपोर्ट करना भी चाहिए बिकॉज आप देख लो कि लेवल किस लेवल पर जा रहे हैं अपन हर चीज़ का फुल प्रूफ रीजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो और वो भी फ्री क्लास में फ्री क्लास का जब ये है तो फिर सोचो कि पेड क्लास में क्या होता होगा ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड स्टडी वेल फ्रॉम माय साइड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी